Hello, welcome back to my channel English Saitya. In this video we are going to start unit 2 which is the tsunami. Tsunami kya hai? Ek Japanese words hai jo do shabdon se milkar bana hai. Tsunami jaise T U T S U matlab su plus n a m i ये दो वर्ड से मिलकर बना है. सु मींस होता है हार्ड वर्ड और नामी मींस होता है वेव्स. ओके, ये क्या है? एक इंफॉर्मेटिव चैप्टर है. ओके, इसे क्या है, आपको अच्छे से डे समझना चाहिए. मतलब कभी भी जैसे भूकंप वगैरह आते हैं तो उस समय में क्या करना चाहिए, तो ये इसी के बारे में इंसिडेंट है. ओके, लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आप एक इंडिया का मैप देखो. ओके, आपके पास इंडिया का मैप होगा तो उसमें देखो ये अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर सुटेबल, मतलब कहाँ पर है. मतलब नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान और लोअर अंडमान और पोर्ट ब्लेयर अंडमान सी लिटिल अंडमान, ये किस में पड़ते हैं? इंडियन आइलैंड जो अंडमान जो आइलैंड है वहाँ पे पड़ते, जो इंडियन के जो द्वीप है वहाँ पर पड़, ये इंडियन के द्वीप है. ओके, ये कौन सा द्वीप है? अंडमान आइलैंड है. ओके, नेक्स्ट क्या है? निकोबार आइलैंड है. ये इसमें कौन कौन से? इंडियन ओशंस, कार निकोबार और टेरेसा एंड नैनकोरी और लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार. ये कौन किस में पड़ते हैं? निकोबार आइलैंड में पड़ते हैं और ये अंडमान आइलैंड में पड़ती है. ओके, ये इन नाम को क्या है, आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए. ओके, सो सबसे पहले हम नाउ रीड दी सेंटेंस ब्लो एंड री राइट दी इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टली एंड दी मिस्टेक्स. जो इसमें क्या है, जो ये दिया गया है, ये अंडमान और निकोबार का जो नक्शा दिया गया है उसे देखें और जो अंडमान और निकोबार द्वीप है उसके अनुसार क्या है इसके आंसर लगाना है. जैसे कचाल इज एन आइलैंड, जो कचाल है वो क्या है? एक आइलैंड है. हाँ, तो कचाल क्या है? एक आइलैंड है. ओके, जो यहाँ पे पड़ता है निकोबार आइलैंड में. ओके, और इट इज द पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. तो जो ये जो अंडमान द्वीप समूह का भाग है, ये भाग है क्या? ये अंडमान द्वीप समूह का भाग है क्या? अंडमान आइलैंड में कौन कौन से है? नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर और पोर्ट ब्लेयर और अंडमान सी और लिटिल अंडमान है. नहीं, ये किस चीज़ का है? ये निकोबार आइलैंड का भाग है. जो ये इट इज़ द पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ इस आइलैंड, अंडमान ग्रुप लैंड का भाग नहीं है. ये क्या है? ये गलत है. ये अंडमान द्वीप समूह का भाग है, मतलब इस रॉन्ग है. कचाल क्या है? कचाल किसका है? अंडमान द्वीप समूह का है. ओके, नेक्स्ट है नैनकोरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप. जो नैनकोरी जो निकोबार द्वीप समूह है वो क्या है? एक द्वीप है. यस, इट्स राइट. फोर्थ है कचाल एंड नैनकोरी आर मोर देन द 100 miles अपार्ट. तो क्या ये जो नैनकोरी द्वीप समूह है ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 100 miles का है? तो नहीं, ये है सिर्फ 70 miles का. ओके, क्योंकि एकदम से नज़दीक नज़दीक है. ओके, बिल्कुल एक दूसरे के नियर नज़दीक में है ये. ओके, नैनकोरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप्स. जो ये नैनकोरी ये क्या है? निकोबार ग्रुप्स का है. ये सही राइट है. और जो कचाल एंड नैनकोरी आर मोर देन 100 miles अपार्ट, ये नैनकोरी जो और कचाल के बीच का डिस्टेंस कितना है? सिर्फ 70 miles का है. ओके, तो ये क्या है? रॉन्ग है. फोर्थ, ओके, थर्ड राइट है. फर्स्ट क्या है? राइट है. सेकेंड क्या है? रॉन्ग है. और थर्ड क्या है? राइट है. फोर्थ क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि इसके में इसमें सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस दिखाए गए हैं 70 miles का और यहाँ पे क्या कह रहा है 100 miles का. तो ये क्या है? रॉन्ग है. ओके, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया. जो अंडमान और निकोबार है वो भारत के पश्चिम में, जो पश्चिम पड़ता है वेस्ट को क्या कहते हैं? पश्चिम में स्थित है. नो, ये क्या है? साउथ में पड़ता है. आप इंडिया के मैप में जब देखोगे ये क्या है? नीचे है हमारे, साउथ में. ओके, द निकोबार आइलैंड आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड. जो निकोबार आइलैंड है वो क्या है? नॉर्थ द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड के, जो अंडमान आइलैंड है उसके नॉर्थ में है. नहीं, देखो ये क्या है, यहाँ पे जो निकोबार आइलैंड है वो क्या है? साउथ में. तो ये भी क्या है?
गलत है, ओके तो ये भी रॉन्ग है. नेक्स्ट है, अ सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी. तो जो सुनामी होती है, जो समुद्र के नीचे क्या है, भूकंप के कारण उठने वाली एक क्या है, बहुत बड़ी और शक्तिशाली, मतलब बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली लहर है एक. और ये कब आई थी, ऑन 26 दिसंबर 2004 को. ये क्या है, 20 दिसंबर 2004 को आई थी. और सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. तो ये जब ये सुनामी आई थी तो इसने थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्से जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एंड द तमिलनाडु कोस्ट, और जो तमिलनाडु के तट को क्या है, प्रभावित किया था. हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. तो यहाँ पे क्या है, कुछ करेज की, मतलब जो साहस दिखाया जो सुनामी में, जिन्होंने लोगों ने जो इससे लड़े, और सर्वाइवल मतलब कुछ जो स्टोरियाँ जो अस्तित्व में आई उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है. डिड एनिमल सेंस दैट दी सुनामी वॉज कमिंग. क्या आपको लगता है जो जानवर होते हैं उनके पास कोई सेंस होता है, जैसे सिक्स सेंस की बात की जाती है, पहले से पता चल जाता है किसी चीज़ के बारे में. तो आपको क्या लगता है, जो एनिमल्स होते हैं उनके पास कोई सिक्स सेंस होते हैं. सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड. तो कुछ स्टोरियों से क्या हमें पता चलता है कि उनके पास क्या है, सिक्स सेंस होते हैं. कुछ भी भूकंप आती है, कोई भी आपदा आती है, तो उससे पहले क्या है, जानवरों को पहले पता चल जाता है, क्योंकि उनके कानों की जो आवाज़ होती है, उनके कानों में छोटी से छोटी आवाज़ सुनाई दी जा सकती है, मतलब जो हमें आवाज़ें सुनाई भी नहीं जा सकती. तो इससे क्या है, वो सेंस लगा सकते हैं कि कुछ भूकंप आने वाला है या कुछ तूफान आने वाला है, तो उनको पहले ही पता चल जाता है, कहा जाता है. ये साइंटिफिक भी प्रूफ है. ओके, दिस स्टोरी आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्ची लोग. तो ये क्या है, जो ये स्टोरी है ये क्या है, मतलब ये अंडमान और निकोबार की है. ओके, ये सारी कहानी कहाँ की है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है. यहाँ पे क्या है, इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचार. हिज वाइफ वॉक हिम अब एट 6 AM. तो जो इनिशियस है वो कचल के एक सरकारी समिति के क्या है, सोसाइटी के मैनेजर है. ओके, तो उनकी वाइफ क्या है, उन्हें 6 बजे सुबह की 6 बजे क्या है, जगा दी थी, क्योंकि बिकाउ शी फेल्ट एन अर्थक्वेक. तो उन्हें, क्योंकि उन्हें क्या महसूस होता है कि कोई भूकंप आ रहा है. इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ हिज टेबल. तो जो इग्नेशियस होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, जो उनका टेलीविजन जो टेबल के ऊपर रखा होता है उसे क्या है, वहां से हटा देते, उसे नीचे रख जाते, ताकि वो क्या है, टूटे ना. ओके, पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, मतलब उसे ग्राउंड पे रख देते, सो दैट इट वुड नॉट फेल एंड ब्रेक. तो उनका क्या, इसका इससे क्या मतलब है, मतलब वो टूटे ना, मतलब नीचे ना गिरे. देन द फैमिली रस्ट आउट द हाउस. और उसके बाद क्या है, उनका जो पूरा परिवार होता है वो क्या है, बाहर निकल जाते. When the tremors stopped, जब क्या है, जो tremors होता है, मतलब जो शेक होता है, tremors मतलब a slight shake, earth tremors, the earth is shaking during an earthquake. जो earthquake के time पे जो मतलब कंपन उठती है, तो उसे क्या कहते हैं, tremors कहते हैं. वो क्या है, stop हो जाती है. They saw the sea rising in the cause of confusion. तो जो वो क्या है, जो सी होती सी, जो समुद्र की जो वहाँ पे वो लहरें होती क्या, वो ऊपर उठ रही थी, तो क्या है, वो कन्फ्यूज़न में, मतलब घबराहट में और हड़बड़ाहट में क्या है, कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, मतलब उन्हें घबराहट होने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है, मतलब जैसे वो देखते हुए इसको. टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ दियर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर. तो क्या है, वो अपने दो बच्चों की और अपने दो बच्चों उनके जो दो बच्चे थे, उन्होंने क्या अपने अपने माँ के जो पिता थे, जो नाना थे, उनके जो उनके मदर्स के जो फादर थे, मतलब बच्चों के क्या होंगे, वो नाना थे. एंड मदर्स ब्रदर, और जो मदर्स के ब्रदर मतलब बच्चों के मामा का हाथ पकड़ लिया. एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और क्या है, विपरीत दिशा में दौड़ पड़े. ही नेवर सॉ देम अगेन, मतलब वो क्या है, उन्हें फिर से नहीं मिले. मतलब इसका मतलब है कि वो जो तूफान जो सुनामी जो आई थी उसमें क्या है, बह गए. मतलब हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, और जो उनकी पत्नी थी वो भी स्वेप्ट अवे, मतलब बह जाना, मतलब लहर के साथ वो भी बह गए, मतलब उसी में बह गई थी. मतलब ओनली दी थ्री अदर चिल्ड्रंस हु केम विद हिम वर सर्व्ड.
तो उनके साथ सिर्फ तीन ही बच्चे आए थे जो क्या है सर्व कर गए थे, मतलब बच गए थे। संजीव वॉज अ पुलिसमैन एंड सर्वाइविंग इन द कचाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जो जो संजीव थे वो क्या है एक पुलिसकर्मी थे जो निकोबार द्वीप समूह के कचाल द्वीप में क्या थे सर्विस दे रहे थे। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने किसी तरीके से क्या है खुद को बचा लिया था, एंड हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, और अपनी बेबी अपनी वाइफ को भी और अपनी बेबी डॉटर को भी फ्रॉम दी वेव जो लहर आई थी। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम दी वाइफ ऑफ जॉन, लेकिन तभी क्या है उसे आवाज़ सुनाई देती है जो इसकी वाइफ होती है जॉन की वाइफ होती है दी गेस्ट हाउस कुक, जो क्या होती है वो गेस्ट हाउस की क्या है कुक होती है। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, तो संजीव क्या है जंप कर जाते हैं वाटर में उसको बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों क्या है पानी में बह जाते हैं, मतलब दोनों ही पानी में बह गए क्योंकि लहर इतनी तेजी से आई थी कि वो अपने साथ सब कुछ लेके जा रही थी। मतलब 13-year-old Mega was swept away along with her parents and 77 other people. और अब यहाँ पे दूसरी जगह बात हो रही है जो 13 दूसरे लोगों के बारे में दूसरी जगह की बात हो रही है। यहाँ पर क्या है 13 साल की जो मेघना है वो अपने माता पिता और 70 और लोग के साथ क्या है बह गई। She spent 2 days floating in the sea holding on टू अ वुडन डोर, तो उसने क्या है 2 दिन क्या है फ्लोटिंग करते हुए गुजारे थे, मतलब जो वुडन का जो डोर था उसके ऊपर रह के उसने क्या है 2 दिन गुजारे थे, मतलब पूरे 2 दिन तक क्या है वो फ्लोटिंग करती रही उस पर, 2 दिन तक पूरी तैरती रही वो। एंड 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, 11 टाइम्स क्या टाइम क्या उसने जो रिलीफ हेलीकॉप्टर जो ओवर हेड मतलब उसके ऊपर से जो जा रहे थे उसने 11 टाइम उनको उसको देखा, मतलब अपने सिर के ऊपर जाते हुए। बट दे डिडेंट सी हर, लेकिन वे उसे नहीं देख लेकिन उन्होंने क्या है उसे नहीं देखा एक बार भी। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वे एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन द डेज, तो क्या है वो क्या है लहर के द्वारा क्या है खुद ही मतलब किनारे पे आ गई थी, मतलब क्योंकि वो उसके डोर के ऊपर तो थी जो वुडन की जो लकड़ी होती है वो कभी भी पानी में डूबती है, तो वो क्या है उसी के ऊपर बैठी हुई थी, तो वो क्या है खुद ही उसे लहर क्या है उसे किनारे पे ले आई और वो क्या है उसी दशा में जो समुद्र के किनारे पे क्या है चलती हुई पाई गई थी, मतलब उसे वो मिल गई थी, मतलब वहाँ पे वो वॉकिंग करते हुए क्योंकि वो अपने आप ही क्या लहर के कारण किनारे में आ गई थी। अलमास जावेद, तो अलमास जावेद क्या है 10 साल के। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। जो 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 यहाँ पर क्या है जो अलमास जावेद है वो 10 साल की थी, वो क्या पोर्ट ब्लेयर कॉर्मेल कॉन्वेंट की क्या है छात्रा थी, उसके पिता क्या पेट्रोल पंप में थे, जो उसकी माँ थी जो रहीला हर मदर्स कौन थी रहीला होम वॉज इन नॉन कॉरी आइलैंड, तो वो कहाँ थी मतलब जो नॉन कॉरी द्वीप पर थे उनके परिवार। दी फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, जो उनकी फैमिली तो वो क्या है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे, तो ये दिन कौन सा था 26 दिसंबर का था। ओके तो उससे 25 दिसंबर को क्या होता है क्रिसमस डे होता है। वेन दी ट्रीमोस कम अर्ली इन द मॉर्निंग दी फैमिली वॉज स्लीपिंग अलमास फादर सॉ द सी वॉटर रिसीड, तो जो उसके फादर होते हैं तो क्या देखते हैं जो जो सुबह सुबह जब झटके आए तो परिजन जो उनके परिवार फैमिली मेम्बर्स थे वो क्या सो रहे थे, तो अलमास के पिता ने क्या समुद्र का पानी घटते हुए देखा, तो वो समझ गए थे देखो पहले वेव क्या है समुद्र में पीछे को जाती है फिर झटके से वापस आती है, तो वो समझ गए थे जो वेव पीछे जा रही है तो क्या है बहुत ही मतलब पानी क्या है बड़ी ताकत के साथ क्या है पूरा वापस आने वाला है, तो वो क्या करते हैं He understood that water would come rushing back with great force. तो उन्हें पता था great force के साथ क्या है water वापस आने वाला है। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. तो क्या है उन्होंने क्या है अपने फैमिली को सभी को जगाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का क्या है प्रयास किया। As they run, जैसे ही क्या है वे भागे, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जो उनके उनके क्या है ग्रैंडफादर होते हैं जो क्या है उसके जो पिता होते हैं तो उसकी उसके वो क्या है किसी जो दादा होते हैं उनके सिर पे क्या कुछ चीज़ टकरा जाती है जैसे क्या वो नीचे गिर जाते हैं, तो
हर फादर रस्ट टू हेल्प हिम, तो जो उसके फादर्स होते हैं वो क्या है उसे बचाने के लिए जाते हैं। देन कम देन कैम द फर्स्ट जियांट वे दैट स्वेप्ट बोथ देम अवे, मतलब तो उसी समय क्या है एक बड़ी सी लहर आती है तो क्या है वो दोनों को बहा के लेके चली जाती है। आलमास मदर वॉस आंट स्टूड क्लिंजिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री, जो आलमस की माँ होती है और मौसी होती है वो क्या है नारियल के पेड़ की पत्तियों पे क्या है जो पेड़ के टहनियाँ होती है उस पर क्या है चिपकी रहती है उसे पकड़ के रखती है। एंड कॉलिंग आउट टू हर, मतलब और उसे उसे पुकार रही थी। अ वे अप फ्रूटेड द ट्री एंड द टू वर वॉश्ड अवे, तो जो जो क्या है लहर आती है वो क्या है उस पेड़ को जिस पेड़ को उन्होंने कोकोनट की ट्री को जो पकड़ा हुआ था उसको भी क्या है अपरूटे मतलब जड़ सहित क्या बहा के लेके चली जाती है पूरा वे भी बह जाते हैं उसके साथ। अलमास सॉ अ लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग शी क्लाइम्ड ऑन टू इट एंड देन शी फेंटेड व्हेन शी वॉक अप, तो क्या है जो अलमास ने देखा कि एक लकड़ी का क्या है लट्टा तैर रहा था तो वो क्या है उस पर चढ़ जाती है और फिर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आया तो वो क्या है एक शी वॉज इन हॉस्पिटल कोमाटा, तो कामोर्टा की हॉस्पिटल में मिलती है। जब उसे होश आता है वो बेहोशी की स्थिति में ही किसी को वहाँ पे मिल जाती होगी तो उसे एक हॉस्पिटल में पहुँचाया गया होगा। फ्रॉम दियर शी वॉज ब्रॉड टू पोर्ट ब्लेयर, तो वहाँ से उसे क्या है पोर्ट ब्लेयर लाया गया था। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, शी इज स्टिल ट्रॉमस शी इज स्टिल ट्रीमोस, मतलब ट्रोमोटाइज्ड में थी वो इस समय भी स्टिल ट्रोमोटाइज्ड में थी वो अभी भी, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो ये भयानक इंसिडेंट हुआ था जो ग्रेटली शॉक्ड थी वो, मतलब डिस्ट्रेस्ड थी, मतलब इसके बारे में क्या वो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह इस समय बहुत ही छोटी थी तब उस समय इसके साथ ये घटना हुई थी और इसमें क्या है इसके पूरे परिवार के साथ जो जो हुआ था उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। यहाँ पे क्या है टीली स्मिथ सेकंड पार्ट है ये, ओके टीली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक पकेट बीचेस ऑफ थाईलैंड, तो क्या है ये क्या है टीली स्मिथ जो क्या है एक ब्रिटिश स्कूल की गर्ल है, ओके तो ये इसके बारे में यहाँ पर क्या है जो थाईलैंड के जो फुकेट समुद्र में क्या है ये यहाँ का नाम क्या है फुकेट बीच पे आया था थाईलैंड में ये सुनामी, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं जो सुनामी आई थी तो कई लोगों की क्या जान बचाने में क्या है जो ये लड़की है ये क्या सफल हुई थी, ये रियल हीरोइन है मतलब इसकी, तो शी वॉज वॉन नंबर ऑफ अवार्ड, हालांकि उसने क्या है कई पुरस्कार भी जीते और हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड दियर डॉटर टू बी इंटरव्यूज्ड ऑन द टेलीविजन एंड मेड इन टू अ हीरोइन, तो जो उसके पेरेंट्स थे उसने अपनी बेटी को अनुमति ये इस बात की अनुमति नहीं दी थी कि वो टेलीविजन पे जाके क्या है इंटरव्यूज वगैरह दे और मतलब एक क्या है हीरोइन मतलब हीरोइन बने मतलब नायिका बना दिया जाए मतलब उसे एक हीरोइन बना दिया जाए मतलब वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, मतलब आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया होगा कि उसके पेरेंट्स ने मतलब उसे ज़्यादा मतलब टेलीविज़न वगैरह में कुछ ज़्यादा प्रचार नहीं करने दिया। नाउ हेयर इज़ द स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, यहाँ पर जो स्टोरी क्या है थाईलैंड के बारे में, अभी इससे पहले हमने इंडिया के बारे में पढ़ा जो इंडिया में भूकंप आए थे, ओके अब क्या है थाईलैंड के बारे में। The Smith family from South East England were celebrating Christmas at the beach resort in southern Thailand, तो ये क्या है जो साउथ मतलब दक्षिण पूर्व जो इंग्लैंड में स्थित मतलब स्मिथ का जो परिवार है वो क्या है क्रिसमस मनाने के लिए आए हुए थे, ओके तो जो थीली स्मिथ वॉज अ 10 years old स्कूल गर्ल, वो कितने ईयर्स की थी 10 years old थी स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज 7 years और जो उसकी सिस्टर थी वो 7 years old की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, जो उनके माता पिता थे वो पेनी और कॉलिन स्मिथ थी। इट वॉज द 26 December 2004 डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन दियर वेव्स, तो ये समय किस ये टाइम कब था 26 December 2004 था जब क्या है बहुत ही मतलब घातक मतलब डेडली मतलब जान लेने वाली जो सुनामी थी वो क्या है सुबह सुमात्रा के बड़े भूकंप की शुरू हो चुकी थी मतलब पहले से ही। दे हैड बीन
Registered by the massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. तो ये क्या है, ये उस समय पहले ही मतलब जो जो उत्तरी सुमात्रा में था कि एक बड़े भूकंप की क्या है पहले से शुरुआत हो गई थी. The water was swelling and kept coming in. जो पानी क्या है बढ़ता चला आ रहा था और अंदर आता, अंदर की ओर आ रहा था. Kept coming in मतलब अंदर आ रहा था, मतलब सड़क की तरफ, मतलब ग्राउंड की तरफ पूरी तरह से क्या है घर के अंदर जो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उधर की साइड क्या है अंदर की तरफ आ रहा था पानी. पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड, जो पेनी स्मिथ को क्या है याद आया. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. आई डिडेंट नो वॉट वॉज हैपनिंग. तो जो क्या है बीच क्या है छोटा और छोटा होता जा रहा था. तो सोच रही थी कि मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, उन्हें पता है, वो सोच ही नहीं पा रहे थे ये, वो इतना सडनली हो रहा था सब कुछ. बट टीली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. जो लेकिन जो टीली स्मिथ को क्या लगा कि कुछ कुछ क्या है रॉन्ग है, मतलब कुछ गड़बड़ है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू दी टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक बिफोर शी फ्लू आउट दी थाईलैंड विद हर फैमिली. तो क्या है उसने क्या है उसे क्या है कुछ गड़बड़ लग रहा था. तो उसने क्या है मतलब अपने परिवार के साथ थाईलैंड के जो मैं जो आई थी, तो उसने क्या है उससे पहले क्या 2 दिन पहले ही क्या है एक ज्योग्राफी के लेसन को पढ़ा था. तो उसको क्या है उसके बारे में रिमाइंड हो जाता है. टीली सॉ द सी स्लोली राइज. तो जो टीली ने देखा कि जो समुद्र है वो क्या है धीरे धीरे क्या ऊपर बढ़ रहा है. एंड स्टार्ट ऑफ फॉर्म. और क्या है वो जैसे झाँक साबुन की जो झाँक हो जाती है वैसे वैसे बुलबुले से उठने लग जाते हैं. एंड बबल्स मतलब उसमें से बुलबुले बुलबुले से उठ जाते हैं और फॉर्म मतलब झाग आने लग जाती है. फॉर्म जैसे साबुन को जब खूब अच्छे से ऐसे पानी में जब हाथ को हिलाया जाता है शेकिंग किया जाता है तो क्या है उसमें फॉर्म से आने लग जाती है और बबल मतलब बुलबुले से उठने लग जाते हैं. एंड फॉर्म वॉटरफॉल्स. और क्या है वो जो उसमें क्या है वॉटरफॉल से मतलब बबल्स बनने लग जाते हैं उसमें. शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवेन आइलैंड्स. तो क्या है वो उसे उसे इन 1946 तो उसे क्या है भूगोल जब उसे जो भूगोल का जो चैप्टर पढ़ रही थी जो ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रही थी जो शिक्षक थी उसने क्या है उसको वीडियो में दिखाया था. उन्होंने बताया कि सुनामी जब भूकंप या सुनामी या ज्वालामुखी जो या भूस्खलन जो होते हैं जब आते हैं तो क्या क्या होता है. मतलब जब 1916 में आया था तो उसके बारे में वो क्या है उसको बता रही थी. हर ज्योग्राफी टीचर शोज द क्लास वीडियो एंड टोल्ड दी सुनामी कैन बी काउज बाय अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोस एंड लैंडस्लाइड्स. तो वो किस तरह कारण से आ सकते हैं भूकंप के कारण से या ज्वालामुखी या लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन के कारण हो सकता है. टीली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. तो क्या है जो जो टीली होती है वो क्या है समुद्र तट से उतरने के लिए कहती है अपने परिवार से, चिल्लाने लग जाती है वो. एंड शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. तो क्या है उसने उसने अपने फैमिली से कहा भी कि समुद्र के नीचे क्या है भूकंप की बात भी की. लेकिन लेकिन क्या होता है शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल. मतलब वो क्या है बहुत ही ज्यादा मतलब हिस्टेरिकल होने लग जाती है. सेड हर मदर पेनी आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज. लेकिन जो उसकी माँ पेनी ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है. बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन. तो वो क्या है अपनी बेटी की बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी. उसकी बेटी जब कह रही थी कि यहाँ पे क्या है भूकंप आने वाला है मतलब सुनामी आने वाली है तो उनके उसकी जो मदर है वो कह रही है कि मुझे नहीं पता था मतलब क्या हो रहा है. लेकिन क्या है वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा डरावा देखती है. तो कहीं वो कुछ तो उसे लगता है कि कहीं कोई सीरियस मस्ट बी गोइंग मतलब यहाँ पे क्या है कुछ गंभीर तो नहीं हो रहा है. टीली पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल. तो क्या है जो टीली के माता पिता है वो अपनी उसको और उसकी बहन को क्या समुद्र तट से दूर लेके चले जाते हैं अपने होटल स्विमिंग पूल में ले गए थे. अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम. तो बहुत सारे और भी लोगों ने क्या है उनके साथ बीच को छोड़ दिया था. देन इट वॉज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम आई वॉज स्क्रीमिंग रन. तो क्या तब ऐसा लगा मानो क्या सारा समुद्र उसके पीछे 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 बढ़ रहा हो. मैं चिल्ला रही थी भागो. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. जो उसके परिवार परिवार होते हैं वो क्या है
थर्ड फ्लोर में चले जाते हो होटल के एंड द बिल्डिंग विस्टूड एंड दी सर्च द थ्री सुनामी वेव्स, जो जो भी बिल्डिंग होती है वो तीन सुनामी जो लहरें होती है उसको क्या है झेल जाती है, बाकी बहुत सारी टूट भी जाती है, बहुत सारी क्या है रह जाती है। तो जो उनकी बिल्डिंग थी कि वो तीनों जो तीन तीन वेव्स आई तो उसको क्या है झेल जाती है, मतलब मजबूत होती है जो बिल्डिंग होती है। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव दिस लाइफ, तो उन्हें बाद में फील होता है कि अगर वो क्या है समुद्र के तट पर रुके होते तो क्या है वो कोई भी जीवित ना होते। दी स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट टू वैन हु हैड अ लॉस्ट एंटायर फैमिलीज एंड थैंक यू टू टेली एंड हर ज्योग्राफी लेसन्स दे हैड बीन अ फॉर वॉरन एंड टेली वॉन्ट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। तो क्या है ये सब कुछ क्या है उसने जो अपने क्लास में जो ज्योग्राफी का लेसन पढ़ाता है उसकी वजह से होता है। तो क्या है सब लोग उसको धन्यवाद देते हैं। जब टीली वापस जाती है अपने स्कूल में तो क्या है वो अपने में क्लासमेट को भी इस भयानक कहानी को सुनाती है कि कैसे कैसे उसके साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग अ जस्ट वर्ड एंड प्रेसेस। इधर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड एंड प्रेसेस ऑन द बैक ब्लैक बोर्ड। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट काम ब्लू सी एंड द रेन रूइंड हट्स। तो क्या है इस लड़के को मतलब ये क्या है यहाँ पे लड़का जो बैठा हुआ है ये क्या है कुत्ते के साथ बैठा हुआ है, उसे क्या है ध्यान से देखें और केवल अपने शब्दों में और मतलब फ्रेसेस में क्या है का उपयोग करके क्या जो कुछ आप इसे देख इस सीन को देखे कि वर्णन कर सकते हो प्रयास करें। मतलब आपको क्या है एक क्रिएटिव राइटिंग को लिखना है यहाँ पे जो क्या है, और या जो शिक्षक है या छात्र है कोई भी एक क्या है ब्लैक बोर्ड पे क्या है मतलब अपने नोटबुक वगैरह में क्या है इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकता है। ओके बिफोर द जायंट वेज स्लैम्ड इन टू द कोस्ट इन इंडिया श्रीलंका वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम्ड टू नो वॉट वॉज अबाउट टू हैपन। तो इस तरीके से जब ये दिस इज द हाउ यू कैन स्टार्ट मतलब किस तरीके से आप स्टार्ट करोगे जब ये जब लहरें आ जाती तो उसके बाद क्या है भूकंप वगैरह आ जाता है कुछ चीज़ें हो जाती तो उसके बाद क्या है मतलब शांत या नीला समुद्र या जो झोंपड़ियाँ वगैरह होती है वो टूटे हुए घर पूरा बिखरा हुआ सा और इसके मलमल में क्या बहुत सारी चीज़ें टूटी फूटी हो सकती है। तो इसको क्या आपको डिस्क्राइब करना है तो यहाँ पर क्या है बिफोर दी जान मतलब इससे पहले की विशाल लहरें जब भारत और श्रीलंका के तट पर जब तट पर टकराते तो जो जंगली जानवर थे जब डोमेस्टिक एनिमल्स थे जो वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स जंगली जानवर या जो घरेलू जानवर थे तो क्या ऐसा लग रहा था जैसे क्या है वो इसके बारे में पहले से जानते थे। दे फ्लेड टू सेफली वो क्या है वे सुरक्षित वहाँ से निकल चुके थे मतलब सुनामी आने से पहले अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स मतलब ये सारी चीज़ें क्या है मतलब बहुत सारे गवाहों के अनुसार है मतलब ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा है इसको विटनेस हो इस चीज़ के। दी एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड जो एलिफेंट्स थे वो क्या है वो चिल्ला रहे थे एंड रन फॉर हायर ग्राउंड और वो क्या है मतलब ऊंची जमीन की ओर क्या है भाग रहे थे वहाँ से। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स और जो कुत्ते थे वो बाहर जाने से उन्होंने मना कर दिया एंड फ्लेमिंग गोस अबंडन दियर लो लाइंग एंड ब्रीडिंग एरियाज एंड जू एनिमल्स रस्ट इन टू दियर शेल्टर एंड कुड नॉट बी एंटिस्ड द कम बैक आउट। तो क्या है जो कुत्ते थे उन्होंने भाग जाने से मना कर दिया था जो हंस वगैरह थे वो भी क्या है अपने निचले परिजन में क्षेत्र में चले गए थे मतलब क्षेत्रों को छोड़कर चल गए थे। जो चिड़ियाघर थे उसके जानवर थे वो भी क्या है वहाँ से भाग गए थे और उन्हें वापस आने के लिए क्या लुभाया नहीं जा सकता था मतलब वो वापस ही नहीं आ रहे थे चाहे उन्हें कितना ही भी मतलब कह रहे थे मतलब आने मतलब वापस आने के लिए। मैनी पीपल्स बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस अ सिक्स सेंस मैंने बहुत सारे लोगों को लगता है जो एनिमल्स होते हैं उनके पास क्या है सिक्स सेंस होते हैं एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक एंड सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स सो मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स टू देम हेयर एंड और फील द अर्थ एंड वाइब्रेशन। तो क्या है बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि जो उनके पास जो सिक्स सेंस होते हैं वो क्या है हमसे ज़्यादा होते हैं वो क्योंकि क्या है जानवरों की जो सुनने की क्षमता होती है बहुत ही तीव्र होती है उन्हें क्या है पृथ्वी के कंपन को सुनने और महसूस करने में क्या है मदद मिलती है जो उनकी सुनने की जो क्षमता होती है ये क्या है इंसानों को क्या है ये जो इंसान को ये क्या है एहसास होने से पहले पहले ही क्या हो रहा है तो वो आने वाली आपदा के बारे में समझ जाते हैं।
जो जानवर होते हैं इंसानों से ज्यादा इन सब चीजों के बारे में समझ जाते हैं. दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग दी डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट इज गोइंग. मतलब वो इंसानों से पहले जो जानवर होते हैं उन्हें पता चल जाता है इन सब चीजों के बारे में. वी कांट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट. तो क्या हमें इसके बारे में क्या सुनिश्चित नहीं कर सकते कि जानवरों के पास सिक्स सेंस होता है या नहीं. बट द फैक्ट इज दैट जियांट फिश दैट ट्रोल थ्रू द इंडियन ओशंस किल्ड मोर देन 50,000 पीपल इन द डजन कंट्रीज. तो क्या है जो तो यहाँ पर क्या है जब भूकंप आया तो क्या है लाखों लोग मतलब दर्जनों देशों के लोग क्या है मारे गए थे मतलब इस जो सुनामी आई थी. बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड. लेकिन बहुत सारे जो वहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते थे तो उनमें से क्या है जानवर के मरने की क्या है कोई भी सूचना नहीं थी. अलॉन्ग इंडिया कडोलर तो जो कुडालोर था जो मतलब जो इंडिया में भारत के कुडालोर तट था जो जहाँ पर क्या है हजारों लोग मारे मतलब वैसे थाउजेंड ऑफ पीपल प्रीसिस्ट एंड बफेलोस गॉट एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड. तो वहाँ पे क्या है बहुत सारे हजारों लोग मरे लेकिन जो भैंस बकरे और कुत्ते थे उन्हें किसी को भी वहाँ पे मरा हुआ नहीं पाया गया मतलब उन्हें किसी को भी हानि नहीं हुई थी. दी याला नेशनल पार्क और जो याला नेशनल पार्क था मतलब तो वहाँ पे क्या है बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते थे. याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज अ होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड. 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पैटाना गला बीच एंड इनसाइड द पार्क. तो यहाँ पे क्या है जो याला राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे क्या हाथी है और तेंदुआ और पक्षियों की 130 प्रजातियाँ हैं मतलब विभिन्न प्रकार के जानवर का घर है यहाँ पे पार्क के अंदर. लेकिन पतनगला जो समुद्र के तट पर जो तट से जो 60 लोग आए थे वो क्या बह गए लेकिन पानी में क्या सिर्फ दो भैंसों के अलावा और कोई भी हानि नहीं हुई थी मतलब सिर्फ 9 एनिमल्स कार केसेस वर फाउंड एक्सेप्ट टू वाटर बफेलो. सिर्फ दो भैंसों की जान गई थी मतलब पूरे सुनामी में. अबाउट एन आवर्स बिफोर दी सुनामी हिट पीपल एट याला नेशनल पार्क. जो याला नेशनल पार्क था तो सुनामी आने के एक घंटे पहले क्या है याला नेशनल पार्क में जो लोग थे उन्होंने क्या है 3 हाथियों को क्या है पतनगला समुद्र के तट क्या है भागते हुए देखा था. पतनगला जो बीच था उसकी तरफ क्या है भागते हुए उन्होंने देखा था 3 एलिफेंट्स को. और श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैल जो गाले के तट पर रहते थे श्रीलंका के जो एक मतलब व्यक्ति थे जेंटलमैन थे वो क्या है अपने डॉग दो कुत्तों के साथ क्या है टू डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच. वो क्या है उनके कुत्तों के साथ क्या है डेली बीच पर रेस लगाने जाते थे लेकिन उस दिन क्या है उनके कुत्ते नहीं जाते बीच पे. दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो दिस आउटगोइंग. वो जो उनके दो कुत्ते थे वो हमेशा एक्साइटेड रहते थे बीच पर रेस लगाने के लिए लेकिन उस दिन क्या है वो नहीं जाते किसी वाले ने. ही सेड बट ऑन द डे दे रिफ्यूज टू गो. लेकिन उस दिन क्या है जो उनके कुत्ते होते हैं वो भी क्या है उनके साथ जाने से वो मना कर देते हैं शायद इसीलिए क्या है वो भी नहीं जाते. एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ. और इस वजह से क्या है उनकी भी जान बच जाती है डॉगी की वजह से. हो सकता है डॉगी मतलब ये कोइंसिडेंट भी मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि कोइंसिडेंट भी हो सकता है कि उसका जाने का मन नहीं कर रहा हो लेकिन ये जरूर ये नहीं है. मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखी गई होगी कि डॉगी को जो जानवर होते हैं उनको क्या पहले से पता चल चुका है इसके बारे में. ओके तो आप सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर एंड कमेंट. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो. ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग.